तो फाइनल दोस्तों, हमने कुछ दिनों पहले आपको कम्युनिटी में पोल डालकर कहा था कि हम एक बड़ा ही टेस्ट करने वाले हैं, क्या आप वो चाहते हो या नहीं। तो हमें से काफी सारे दोस्तों ने कहा था कि बिल्कुल हाँ। तो फाइनली हम एक अपने चैनल का सबसे बड़ा चार्जिंग टेस्ट एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम रियलमी 12 प्रो, रियलमी 12 प्रो प्लस, पोको X6, पोको X6 प्रो, IQ Neo 7 प्रो एंड ओप्पो Reno 11 5G, सभी स्मार्टफोन का जो है बैटरी चार्जिंग टेस्ट एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और अगर आप और भी किसी ऐसे स्मार्टफोन का चाहते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर मैं इनकी बात करूँ तो जो रियलमी 12 प्रो है, स्नैपड्रैगन के 6 Gen 1 के साथ आता है, जिसमें 5000 mAh की बैटरी, 67 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। 12 प्रो प्लस में भी सेम है, 5000 mAh की बैटरी, 67 वोट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जबकि इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 7th Gen S2 चिपसेट देखने जाता है। पोको X6 में भी सेम चिपसेट देखने जाता है, सेम चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है, बस जो बैटरी है थोड़ी बड़ी देखने जाती है, 5100 mAh की। पोको X6 प्रो में हमें सेम बैटरी एंड सेम चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है, बस यहाँ पर जो चिपसेट है वो मीडियाटेक डायनेस्टी 8300 अल्ट्रा देखने जाता है। जबकि बात करूँ IQ Neo 7 प्रो की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 प्लस चिपसेट देखने जाता है, जो कि 5000 mAh की बैटरी के साथ एंड 120 वोट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। जबकि बात करूँ ओप्पो Reno 11 की, तो ये मीडियाटेक डायनेस्टी 7050 के साथ आता है और 5000 mAh की बैटरी, 67 वोट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ज्यादातर स्मार्टफोन में जो चार्जिंग स्पीड एंड बैटरी है वो सेम ही देखने जाती है, बस IQ Neo 7 प्रो को छोड़कर। तो चलिए अभी हम जो हमारा चार्जिंग है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा जल्दी जो स्टार्ट होता है, चार्ज होता है। तो भाई यहाँ पर 30 मिनट के अंदर हमारा जो चार्ज हो चुका है IQ Neo 7 प्रो स्मार्टफोन। तो सबसे पहले हमारा IQ Neo 7 प्रो स्मार्टफोन जो चार्ज हो जाता है, दूसरे नंबर पर जो चार्ज होता है वो है हमारा Realme 12 Pro 5G स्मार्टफोन, जो कि 43 मिनट के अंदर होता है। और यहाँ पर अच्छी बात मुझे लगी कि दोनों स्मार्टफोन में कोई मेजर हीटिंग इशू भी हमें देखने मिले। तीसरे नंबर पर हो जाता है हमारा पोको का X6 प्रो 5G स्मार्टफोन, जो कि 46 मिनट के अंदर हो जाता है और टेम्परेचर आप देख सकते हो 32 है। तो कोई ज़्यादा बड़ा मेजर अपडेट नहीं कहूँगा मैं यहाँ पर इसके अंदर भी। एंड यहाँ पर अभी हमारे 48 मिनट हो चुके हैं, अभी ओप्पो Reno 11 5G एंड पोको X6 एंड रियलमी 12 प्रो प्लस बाकी रह चुके हैं और जल्द ही ये भी होने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये कितने टाइम में हो जाते हैं। तो फाइनली हमारा जो चार्जिंग टेस्ट था उसका विनर तो हमें मिल चुका है, हमारा IQ Neo 7 प्रो। एंड थर्ड नंबर पर हमारा जो पोको X6 है वो चार्ज होता है 48 मिनट के अंदर, और यहाँ पर भी कोई हमें ज्यादा मेजर हीटिंग इशू देखने को नहीं मिले। फाइनली हमारा ओप्पो Reno 11 5G भी फुल चार्ज हो चुका है 49 मिनट के अंदर, एंड जो अभी हमारा बचा है वो यहाँ पर हमारे बच चुका है Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन, और फाइनली ये भी अब हमारा पूरा चार्ज हो चुका है 51 मिनट के अंदर। तो ये थे दोस्तों सारे स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड, आपने देख ही ली होगी। और यहाँ पर हीटिंग इशू की अगर मैं बात करूँ, जो मुझे थोड़ा ओप्पो Reno 11 में देखने मिला 35 के आसपास, बाकी अदर हमें सभी नॉर्मली देखने मिले। तो चलिए अभी हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन से स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा हमें बैटरी बैकअप देखने मिलता है। तो इस जर्नी में बने रहिएगा, अभी मैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में।
तो फाइनली दोस्तों अप्रोक्स 6 आवर हो चुके हैं और लगभग हमारे सभी स्मार्टफोन में बैटरी ड्रेन हो चुकी है। और यहाँ पर जो विनर अगर मैं बात करता हूँ तो विनर है रियलमी 12 प्रो 5G स्मार्टफोन, जिसने अप्रोक्स 6 आवर 10 मिनट तक हमें बैटरी बैकअप दिया है। और यहाँ पर अगर इस मैच की बात करूँ तो इसमें जो हारा है वो पोको X6 प्रो है, जो कि सबसे जल्दी बैटरी ड्रेन कर चुका था अप्रोक्स 4 आवर 48 मिनट तक। तो ये था दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन का बैटरी चार्जिंग टेस्ट एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट। हमने लगभग हर एक चीज़ यहाँ पर प्ले की, चाहे दोस्तों मैं वीडियोज की बात हूँ, कैमराज की बात हूँ, गेमिंग की बात हूँ, हर चीज हमने यहाँ पर की। और हीटिंग की बात को देखो, मुझे पर्सनली कोई ज़्यादा बड़ा हीटिंग इशू देखो नहीं मिला किसी भी स्मार्टफोन में। अप्रोक्स सभी के सभी में सेम ही था, अप्रोक्स 32-33 मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा था, वो भी कुछ कुछ पॉइंट्स पर, तो मुझे ओवरऑल ठीक लगा। तो ये था दोस्तों बैटरी चार्जिंग टेस्ट एंड बैटरी ड्रेन टेस्ट, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।